साइटोस्केलेटन पार्ट टू फर्स्ट द कॉन्टेंट्स इंटरमीडियट फिलामेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडियट फिलामेंट्स फंक्शन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स देन माइक्रो फिलामेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो फिलामेंट एंड द फंक्शन ऑफ माइक्रो फिलामेंट्स स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ देखें इससे पहला जो पार्ट है जिसमें हमने साइटोस्केल्टन के एक जनरल ओवरव्यू स्टडी किया है उसके साथ साथ जो है माइक्रो को स्टडी किया तो साइटोस्केल्टन के अंदर बेसिकली तीन मेजर कंपोनेट्स हैं माइक्रोट्यूब्युल्स इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड द माइक्रो फिलामेंट्स तो माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं जिसमें हमने देखा कि माइक्रो ट्यूब्यूल ट्यूबुलन प्रोटीन की बनी होती हैं इसके अलावा माइक्रो ट्यूब्यल्स का जो साइज़ है डाया जो है वो बाकी दोनों यानी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रो फिलामेंट्स से बड़ा होता है दैट इज़ अबाउट ट्वेंटी फाइव नाइनोमीटर है और इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल को जो बनाने वाली प्रोटीन है वो ट्यूबुलन प्रोटीन है अगर हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करें तो इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो साइज़ है ये माइक्रो ट्यूब्यूल से स्मॉल है जबकि माइक्रो फिलामेंट से बड़ा है इसलिए इसका नाम भी इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट का लफ्जी मतलब भी होता है दरमियान वाला तो इंटरमीडिएट फिलामेंट का साइज़ इट्स अबाउट टेन नैनोमीटर अब माइक्रो माइक्रोट्यूल का साइज़ ट्वेंटी फाइव है नैनोमीटर और माइक्रो फिलामेंट का साइज़ सेवन नैनोमीटर है तो इन दोनों के दरमियान में जो टेन नैनोमीटर जो है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट का साइज़ है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर एक्चुअली हैट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ये जो हैट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ प्रोटीन से बने होते हैं दे आर मेड बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स अभी तक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के अंदर तकरीबन सेवेंटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो है वो डिस्कवर की जा चुकी हैं तो यहाँ इंटरेस्टिंग की अगर हम देखें माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर सिर्फ एक प्रोटीन है दैट इज अ ट्यूबुलिन प्रोटीन आगे हम देखेंगे माइक्रो फिल्मेंट के अंदर भी सिर्फ एक ही प्रोटीन है दैट इज एक्टिन माइ एंड जो इसमें माइक्रोटिब्यूल्स और माइक्रो फिलामेंट के मुकाबले में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के अंदर प्रोटीन का नंबर इट इज़ अबाउट सेवेंटी इसी वजह से हम इसको कहते हैं इट इज़ मेड ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोटीन एक लार्ज फैमिली ऑफ प्रोटीन जो है वो इंटरमीडियट फिलामेंट्स को बनाती है फिर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडियट फिलामेंट्स अगर आप देखें तो इसमें जो डिफरेंट प्रोटीनस हैं वो एक दूसरे से कम्बाइन होकर एक जब वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि जितने भी साइटोस्केलेटल फाइबर्स हैं वो सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की जो खास बात हम पहचान के तौर पर याद रख सकते हैं वो है इसका डायामीटर है जबकि प्रोटीन के रेफरेंस से हम इसको याद नहीं रख सकते क्योंकि डिफरेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स एग्जिस्ट करती हैं किसी के अंदर पहली टाइप है किसी के चूंकि टोटल सेवेंटी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में डिफरेंट प्रोटीन्स एग्जिस्ट करती हैं फंक्शन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो मेन फंक्शन देखें सेल की शेप को मेंटेन रखना तो शेप ऑफ सेल इज़ मेंटेन बाय द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनलीज सेल के अंदर हर ऑर्गेनली की ऑलमोस्ट अब बड़ी एक वो पोजिशन है जैसे अगर हम देखें तो सेंट्रियोल्स uh, को न्यूक्लियस के करीब तक हम बनाते हैं जब स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं इसी तरह से गॉलजीप्रेट्स को न्यूक्लियस के थोड़ा सा हटा कर जो है वो साइटोप्लाज सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरम्या में उसको बनाया जाता है तो एक्चुअली डिफरेंट ऑर्गेनालीज की एक ख़ास प्लोज पुज़ पोजिशन होती है सेल के अंदर और इस पोजिशन को हम कहते हैं स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन यानी स्पेस के अंदर उनकी जगह तो ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो डिफरेंट ऑर्गेनालीज है ये बेसिकली ड्यू टू इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है और थर्ड इसका इंपॉर्टेंट रोल ये है कि इट प्रमोट्स द मैकेनिकल एक्टिविटीज़ तो मैकेनिकल एक्टिविटीज जो सेल के अंदर है उसको ये प्रमोट करेगी जी द सेकेंड वन अब अगर हम साइटोस्केल्डर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले था माइक्रोट्यूब्यूल्स देन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और लास्ट वन जो हमारे पास है इट इज द माइक्रो फिलामेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड द माइक्रो फिलामेंट्स माइक्रो फिलामेंट्स माइक्रो का लफसी मतलब होता है वेरी स्मॉल छोटा तो तीनों माइक्रो जो साइटोस्लडल स्ट्रक्चर्स हैं उसमें माइक्रोफिलाेंट आर ऑफ स्मॉलेस्ट साइज डाया के लिहाज से इट इज़ ए सेवन नानोमीटर तो इसकी जो थिकनेस है वो सेवन नैनोमीटर है जबकि इंटरमीडिएट की हमने टेन पढ़ी थी और माइक्रो ट्यूब्यूल्स की हमने ट्वेंटी फाइव पड़ी थी दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन तो एक्टिन प्रोटीन जो है वो माइक्रो इसको माइक्रोफिलाेंट्स को बना रहे हैं अब माइक्रोफिलाट्स का जो बेसिक तल्लक है वो है सेलुलर कंट्रेक्शन से तो वो सेल्स जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है या रिलैक्स करना उनके अंदर माइक्रोफिलामेंट्स दे आर हाईली डिवेल्प हमारे बॉडी के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो कंट्रक्टाइल वर्क होता है ये मसल फाइबर्स करते हैं तो मसल फाइबर्स के अंदर ये आमतौर तो पर माइफाइबर के तौर तो पर मौजूद होते हैं फंक्शन ऑफ माइक्रोफिलाेंट्स माइक्रोफिलाेंट्स का अगर फंक्शन देखें दे आर इन्वाल्व इन सेलुलर कंट्रेक्शन तो मोटिलिटी जितनी भी है अच्छा एक जनरल टर्म हम कहते हैं कि जनाब हमारा जितना बॉडी की मूवमेंट है वो बेसिकली ड्यू टू द कंट्रेक्शन ऑफ मसल फाइबर्स है अब मसल सेल के अंदर या मसल फाइबर के अंदर कौन सी चीज़ है जो उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा रही है तो बेसिकली वो है माइक्रोफिलामेंट्स माइक्रोफिलाेंट्स दे हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा बॉडी क्या कर देगा मूव करेगा अकॉर्डिंगली उसकी जो है उसकी मूवमेंट होगी अच्छा कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कंट्रक्टाइल नहीं हैं तो जो सेल्स कंट्रेक्टाइल नहीं है उनके अंदर माइक्रोफिलाेंट आमतौर पर सपोर्टिव रोल प्ले करता है उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इस तरह से यूनिसेल ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कॉन्ट्रेक्टाइल मूवमेंट है अमीबाइड मूवमेंट है या बाकी टाइप अदर मूवमेंट्स हैं दे आर बेसिकली ड्यू टू द माइक्रोफिलामेंट्स अच्छा स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ कंक्लूजन में देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो है वो साइटोस्केलेटन को बनाती हैं और इनकी कॉमन बात यह कि सारी सारी ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं फाइबरस प्रोटीन है जो स्ट्रक्चर बनता है वो फाइबरस बनता है लेकिन इन फाइबरस स्ट्रक्चर को बनाने वाली जो प्रोटीन्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं ग्लोबुलर लाइक हैं वो आपस में जैसे ये वैसे ही जैसे तस्वीर के दाने मिलकर एक लंबी सी सजाव चेन बना देते हैं तो सेम इज अ थिंक विद द प्रोटीन्स ऑफ साइटोस्केलेटन दे आर ग्लोबुलर इन नेचर बट दे फॉर्म फाइबर स्ट्रक्चर्स